गुड आफ्टरनून। अब जैसे कि हमने ब्राइटा काप को कवर करा था पिछले बार, और ब्राइटा काप की मेन सिम्टोमेटोलॉजी को कवर करा था, और ये देखा था कि ब्राइटा काप कैसे डेवलप होता है। और जब भी मैं किसी भी ड्रग को, आज थोड़ा हम कुछ बेसिक और बातों से शुरुआत करेंगे। आज भी हम एक ड्रग पढ़ने आए हैं, एक मेडिसिन जिसके बारे में जानेंगे, जो कि एक बहुत ही डीप एक्टिंग पॉलीपरस रेमेडी है। पर उससे पहले मैं चाहता हूँ आप लोग से एक, और थोड़ा प्लीज एक्टिव रहिएगा इस सेशन में, कि जब भी बात होती है किसी भी ड्रग को समझने की, तो आई वॉन्ट टू नो योर व्यूज कि हाउ कैन यू कॉम्प्रिहेंड अ ड्रग, या कैसे आप समझने की कोशिश करते हैं, कैसे किसी भी रेमेडी को पहचानने की कोशिश करते हैं, या क्या तरीका है आपका कि आप किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलीक्रेस्ट रेमेडी को समझ पाए। जो भी पॉइंटर्स आपके दिमाग में आ रहे हो, जो भी आपको लग रहा हो कि हाँ मैं इस तरीके से समझने की कोशिश करता हूँ, उसके बारे में कुछ बताइए। सभी लोग पढ़ते तो होंगे मेडिसिन, तो कैसे समझते हो मेडिसिन को? सिर्फ पढ़ते हो, समझते हो? अगर समझते हो, अगर सेकेंड ईयर पास करके आए हो, इतनी रेमेडीज पढ़ के आए हो, तो सोचते तो होगे कि मैं किस कैसे करूंगा, इस रेमेडी को कैसे समझूंगा। एग्जाम पर्पस को अपने दिमाग से 2 मिनट के लिए हटा दो, लिखना 20 मार्क्स 10 मार्क्स हटा दो। कैसे उस पर्सनैलिटी को जो डिस्क्राइब करी गई है एक पर्टिकुलर रेमेडी में समझूंगा, इन सब चीजों पे आज बेसिक्स पे थोड़ा बात करें। जो भी पॉइंटर्स आपको लग रहे होंगे बोलिए। अगर इसमें आप इंटरैक्ट नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है पढ़ाने का इस चीज को आप, और आप जिंदगी भर लेक्चर सुनते ही रह जाएंगे, खुद से मटेरियल कैसे पढ़नी है कभी नहीं सीख पाएंगे। चाहूंगा मैं कि आप इसमें इंटरेक्ट करें थोड़ा। मेरी आवाज तो आ रही है ना? यस सर, आ रही है सर। सर चलो सर, ऐसे नहीं सर बोलेंगे सर। जैसे हाँ कि जैसे किसी ड्रग का हम लोग कोर पकड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे आपने बताया कि स्टेफिसैग्रिया का, उसमें बिल्कुल इंडिग्नेशन से उसे प्रॉब्लम होती है, तो उसी को बेसिक बनाकर हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या हर रेमेडी में इस तरीके से ही पढ़ाई करना सही रहेगा? सर जितना हमें समझ आता है उसको कोर पकड़ते हैं। जैसे सीपीआर में मैम बताई थी क्लास में कि स्टेसिस स्टेसिस देखना, कि स्टेसिस होगा तो उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। चलो अच्छा ठीक है, सीपीआर से मुझे याद आया कि आज हम सीपीआर ही पढ़ रहे हैं। आज का ड्रग जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सीपिया। अब तुमने बोला कि सीपिया में हमने समझा कि स्टेसिस से हर चीज है, स्टेसिस इज द कीनोट, और उसके ही अराउंड सब चीज इवॉल्व करती है, रिवॉल्व करती है, जो कि नो डाउट इज वन ऑफ द मोस्ट कीनोट सिम्टम, जो कि बहुत ज्यादा टोटैलिटी को सीपिया की समझाता है। पर एक चीज समझाओ मेरे को कि जब हम स्टेसिस की बात करते हैं तो इसी तरह की स्लगिशनेस, स्टेसिस बहुत और रेमेडीज में भी प्रेजेंट होती है। लिलियम टिक उठा लो, कार्बोवेज उठा लो, उसका भी कहीं ना कहीं कीनोट वो स्लगिशनेस ही है। तो क्या चीज हमें वो समझनी है कि जो इन सब की स्लगिशनेस में डिफरेंशिएशन लाएगी, या स्टेसिस में डिफरेंशिएशन लाएगी, या अगर हम किसी कॉन्स्टिट्यूशनल टाइपिंग की बात करते हैं तो किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये हम कैसे कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं किसी भी ड्रग की। अगर हम बेसिक बात करें तो 2 तरीके से हम सिम्टोमेटोलॉजी देखते हैं किसी भी ड्रग की। एक हम जिसको कहते हैं क्लिनिकल सिम्टम्स, जो हमारी क्लिनिक पे हम देखते हैं पेशेंट्स में। एक होता है जो हम प्रूविंग मटीरियल, जो मटीरिया मेडिकल हम एक्सटेंसिव पढ़ के आ रहे हैं, जो हमारे पास अवेलेबल, और जब ये इंटीग्रेट होती है एक साथ, तो उसमें से हमें
मोस्ट आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक निकालनी होती है किसी भी रेमेडी टू कॉम्प्रेहेंड अ ड्रग इन इट्स होल. आप उस पॉइंट पे जाइए जिस सेंट्रल पॉइंट से सारी चीज ओरिजिनेट कर रहे हैं. नो डाउट स्टेसिस वो एक सेंट्रल पॉइंट है कि स्टेसिस से सीपिया बहुत जगह पे स्टेसिस दिखता है. सीपिया में मेंटल स्टेट में भी स्टेसिस है, फिजिकल स्टेट में भी स्टेसिस है. पर एक स्टेप और पीछे जाना चाहिए मेरे हिसाब से जब हम सीपिया टाइप की पर्सनैलिटी को समझ रहे हैं, क्योंकि सीपिया जैसी फिजिकल सिम्टोमेटोलॉजी और मेंटल सिम्टोमेटोलॉजी इन डिफरेंस स्टेसिस लेके बहुत सारी दवाइयां आती हैं हमारे पास. हाउ विल वी डिसाइड इट इज सीपिया? और ये बोला भी जाता है कि सीपिया लाइकोपोडियम जैसी है. क्यों है? क्योंकि जैसे लाइकोपोडियम इज नॉट वेरी इजी रिकग्नाइजेबल, आप लाइकोपोडियम पेशेंट को बहुत इजी रिकग्नाइज नहीं कर सकते. वो बहुत बड़ा मुखौटा लेके आता है अपनी पर्सनैलिटी के सामने. वैसे ही सीपिया भी एक ऐसी ही पर्सनैलिटी है जो कि बहुत डिफिकल्ट होती है रिकग्नाइज करने में. अब सीपिया का रिकग्निशन स्टेसिस के पहले हम एक और चीज समझना चाहेंगे. आप लोग में से कितने लोग साइकोलॉजी साथ में पढ़ते हैं होम्योपैथी, या किसी को इंटरेस्ट है साइकोलॉजी में, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में? आपके फर्स्ट ईयर का करिकुलम का पार्ट होता है साइकोलॉजी, तो किसी को ये पता है कि ये साइकोलॉजी को इस्तेमाल कैसे करना है फॉर द स्टडी ऑफ मटीरिया और फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनॉन? कोई किसके एग्जांपल्स देगा कि कैसे हम साइकोलॉजी की नॉलेज को इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने इन दोनों सब्जेक्ट्स में? अब थर्ड ईयर आ गया है, अब अभी भी बेसिक बेसिक किताबों को रट्टा मार के पढ़ते रहोगे तो वो बेस नहीं बनेगा जिससे आगे जाके आपकी नॉलेज डीप रहे. और इट्स हाई टाइम अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैं आपको ये चीजें इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं इन चीजों से गुजरा हूँ अपने स्टूडेंट लाइफ में, और मैं बहुत लेट रिकग्नाइज किया हूँ चीजों को. तो मैं चाहता हूँ कि जो मुझसे पढ़ते हैं या मेरे से कुछ भी लेते हैं, कम से कम वो गलतियां तो ना करें जो मैंने अपने टाइम में करी, या वो उतने पीछे तो ना रहे जितना पीछे मैं अपने टाइम के हिसाब से रहा. साइकोलॉजी को कई बार मैंने आपको बोला है कि रिलेट करने की कोशिश करा करिए. एक बेसिक चीज पूछ रहा हूं मैं तुम लोग से, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप को जब हम समझते हैं तो एक पर्सनैलिटी को समझते हैं, एक पर्सनैलिटी की पिक्चर बनाते हैं हम कहीं भी, तो क्या कहीं पे वहां पर साइकोलॉजी का रोल आता है या नहीं आता है, या किसी को समझने में साइकोलॉजी का रोल आता है या नहीं आता है? बेसिक सा सवाल है. यस उनके कैरेक्टर को या फिर वो जो चीजें समझाना चाह रहे हैं, वो जो चीजें हम बोलते हैं, हम वो एक्चुअली में प्रॉपर सिम्टम्स नहीं बताते अपनी कि ये सब चीजें हैं, बट उनके बिहेवियर से या फिर उनके एक्शन से हम बता सकते कि वो कैसा उस चीज पे क्या फील कर रहे हैं. ठीक है, एक चीज हो गई कि हम साइफर कर सकते हैं कि वो क्या सच कह रहा है क्या सच नहीं कह रहा. अब इसको मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ, आपने साइकोलॉजी में नाम सुना होगा एक कार्ल गुस्ताव यंग का. कार्ल गुस्ताव यंग का, और इस चीज को प्लीज मैं चाहूंगा क्योंकि मैं ये समझ रहा हूं कि ये थोड़ी चीज लेवल से हल्की सी ऊपर की है, तो इसको बहुत बेसिक से आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं जिससे कि आप लोग के अंदर भी ये एक आग लगे साइकोलॉजी को समझने की, और समझ में आए आपको व्हाई इज दिस सब्जेक्ट सो इंपॉर्टेंट एंड सो इंटीग्रेटेड विद आवर मटीरिया मेडिका एंड ऑर्गन. कार्ल गुस्ताव यंग जो थे उनका एक कॉन्सेप्ट था दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ शैडो. अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ शैडो क्या कहता है, इस डायग्रामेटिक पिक्चर को देखो और इससे समझने की कोशिश करो जो मैं समझाना चाह रहा हूं. कार्ल गुस्ताव यंग कहते थे कि जो पर्सन होता है ना, उसके दो मायने होते हैं, दो तरीके से उसको देखा जा सकता है.
एक होता है उसका पर्सोना जो आउटर रिफ्लेक्शन होता है। आप यहां पर देखिए इस डायग्राम में ये आउटर वर्ल्ड है और जो फर्स्ट लेवल है वो है कॉन्शियस का जो कि पर्सोना दिखाता है जो कि ईगो कंट्रोल करता है। अब ये यहां पर कार्ल गुस्ताव यंग आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी मान लीजिए मैं एक पेशेंट हूं, मैं बाहरी तरीके से आपको अपने बिहेवियर के थ्रू, आपको अपने पर्सोनिफिकेशन के थ्रू कुछ चीजें दिखाता हूं, पर कार्ल गुस्ताव यंग कहते हैं ये जो आप अपनी पर्सनैलिटी किसी को दिखाते हो ना, ये एक मुखौटा होता है। अगर आप पर्सनैलिटी वर्ड के एटिमोलॉजी में जाएंगे तो आप देखेंगे इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड व्हिच इज इवेंचुअली मींस मास्क। तो कार्ल गुस्ताव यंग कहते हैं कि जैसे जैसे हमारी सराउंडिंग होती है ना, जैसे जैसे हमारा सोशल इन्वायरमेंट होता है ना, उस तरीके से हम अपनी पर्सनैलिटी को इवॉल्व करते हैं, एक मुखौटा चढ़ाते हैं और अपने आप को पर्सोनिफाई करके दिखाते हैं जो कि हमारा ईगो कंट्रोल करता है कि अच्छा यहां पर इस तरीके के लोग हैं तो यहां पर इस तरीके का करके आपको अपनी पर्सनैलिटी को दिखाना, यहां पर इस तरीके के लोग हैं तो मेरे को इस तरीके से पर्सनैलिटी अपनी चेंज करनी। ये आपकी इनर पर्सनैलिटी को कभी बाहर नहीं आने देता, ये एक मुखौटा दिखाता है बाहर आपको। और वहीं पर कार्ल गुस्ताव यंग कहते हैं कि जो आपकी इनर फीलिंग, कोर फीलिंग होती है किसी भी इंसान की, इनर नेचर होता है किसी भी इंसान का, जो कि वो डिनोट करते हैं सेल्फ से, वो बोलते हैं उस इंसान के कलेक्टिव अनकॉन्शियस में रहता है। और इसी को आप पढ़ते हैं कलेक्टिव अनकॉन्शियस का इंटरप्रिटेशन कैसे अब मिलेगा। अब आप कह रहे हो आपके पास पेशेंट आया, आपको वो बाहरी तौर पे कुछ चीजें दिखा रहा है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये उसकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी है, उसका इनर सेल्फ है, या ये उसका पर्सोना है जो बाहर एक मुखौटा दिखा रहा है मुझे, ये मैं कैसे डिफ्रेंशिएट करूंगा। उसके लिए कार्ल गुस्ताव यंग और हनीमैन और कई होम्योपैथिक स्टॉलवर्ट्स ये कहते हैं कि विद टाइम जैसे जैसे आपकी आंखों में वो पकड़ आएगी, ऑब्जेक्टिव सिम्टोमेटोलॉजी को आप समझने लगोगे, तो आप इन बारीक चीजों को इंटरप्रेट कर पाओगे। जैसे कि उसका एक एग्जाम्पल है ड्रीम्स। हम ड्रीम्स क्यों लेते हैं पेशेंट की पर्सनैलिटी को जब भी हम समझने की कोशिश करते हैं, हम अपने केस टेकिंग परफॉर्मर में ड्रीम्स का क्यों मेंशन करते हैं? क्योंकि अकॉर्डिंग टू फ्रॉइडियन कॉन्सेप्ट एंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्ल गुस्ताव यंग, ड्रीम्स आर द मैप विच गाइड यू टू द कलेक्टिव अनकॉन्शियस, विच गाइड यू टू द इनर सेल्फ। वो आपकी उन चीजों को डिपिक्ट करता है जो आप अपने मुखौटे से छुपाना चाहते हो। आप अपनी पर्सोनिफिकेशन जैसे बाहर दिखा रहे हो ना, और अंदर कुछ और है, ये जो कुछ और अंदर है, ये जो इनर सेल्फ है, ये कभी कभार ड्रीम्स के थ्रू निकलता है इंसान के। इसी का एक पार्ट होता है एनिमा और एनिमस, और इस एनिमा और एनिमस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर सीपिया को हमें समझना है। इसका एक और एग्जाम्पल बताता हूं आपको थोड़े अलग तरीके से। आप ये समझिए कि हम इंसान का इमोशन नोट करते हैं, हम केस टेकिंग करते हैं, जब हम देखते हैं कि वो जब इमोशनल होता है तो कैसा है, एंगर होता है तो कैसा है, हाउ डज ही रिएक्ट व्हेन ही गेट डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशन एंड व्हाट डज ही फील इनसाइड। ये हम क्यों पूछते हैं? क्योंकि कार्ल गुस्ताव यंग कहते हैं कि जब भी इंसान किसी इमोशनल टर्मोइल से गुजरता है ना, तो जो वो रिएक्शन प्रोड्यूस करता है वो उसके ओरिजिनल पर्सनैलिटी से बहुत अलग होते हैं, और जो ओरिजिनल पर्सनैलिटी से अलग होते हैं वही उसकी शैडो है, वही उसका वो अनकॉन्शियस है, वही उसका वो इनर सेल्फ है, एक्चुअल पर्सनैलिटी वही है इंसान की। बाहर से वो उसको ईगो कंट्रोल करा के एक मुखौटा दिखाता है बाहर, लेकिन अंदर क्या है, हम क्या पूछते हैं, आपकी फीलिंग क्या थी, ये चीज आपके साथ हुई, ये इमोशनल टर्मोइल आपके साथ हुआ, हम टर्मोइल नहीं उठाते, हम उसकी इनर फीलिंग को उठाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इंडिविजुअलाइजेशन करनी है ऑफ द इनर सेल्फ, नॉट ऑफ द मास दैट ही शोइंग। इसी को समझने के लिए मैंने आपको यहां पर सीपिया समझाने के लिए इस कॉन्सेप्ट का यूज करने की कोशिश करी है। थोड़ा डीप है, थोड़ा अलग है, पर अगर समझने की कोशिश करेंगे और आगे जाके इसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे तो सीपिया बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अब
हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर मैं इस पे इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान रखिएगा, अनकॉन्शियस शैडो जो बोल रहे हैं, जो इनर इमोशन है हमारा, जो कि बाहर कब आता है, कोई इमोशनल टर्मोइल में आता है, ड्रीम्स के थ्रू अलग अलग वे में एक्सप्रेस करता है, और बाहरी पर्सनैलिटी ईगो गवर्नड है, वो एक मुखौटा है, इनर सेल्फ इंसान नहीं दिखाता। इस कॉन्सेप्ट को बैक ऑफ द माइंड रखिए, और अब हम बेसिक सीपीआर से स्टार्ट करते हैं, और हम इस पे वापस आएंगे टू अंडरस्टैंड द कोर ऑफ व्हाट इज अ सीपीआर पर्सनालिटी। अब मीनिंग ऑफ सीपीआर क्या है, अगर हम सिर्फ इस वर्ड की बात करें, और इसका वर्ड मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है टू नो हाउ सीपीआर केम इनटू होम्योपैथी, ये जानने के लिए कि कैसे सीपीआर एक प्रूविंग हुई, कैसे इस प्रूविंग को हनीमैन ने किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके वर्ड मीनिंग से। आप में से कोई बताएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सीपीआर, कहीं से आपने पढ़ा हो या सुना हो या जो भी जानते हो, क्योंकि इट इज अ वेल डिस्कस्ड रेमेडी, नेम ऑफ कलर इंक बैग। साइना जी नेम ऑफ कलर बहुत सही कहा आपने, इंक बैग भी कहा। कैन यू डिस्क्राइब व्हाट काइंड ऑफ कलर, आपने ट्रैक सही पकड़ी है, बस थोड़ा दूर है सर। जैसे शाम के वक्त जब सनसेट होता है तो उस टाइम जो शैडो वाटर के पास। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा। अगर आप सीपीआर का वर्ड मीनिंग देखने जाओगे, हम बेसिकली देखते क्या है कि सीपीआर को जब भी हम वर्ड मीनिंग समझते हैं, तो हम बस समझते हैं कटल फिश, इंक बैग, उसके वो जो इंक इजेक्ट करके उससे रिलेट करते हैं, पर एक्चुअली में रेडिश ब्राउन कलर एसोसिएटेड, जी अब एसोसिएटेड पर्टिकुलर विद मोनोक्रोम। आप एक चीज देखिए, जब शाम ढल रही होती है और जब रात आ रही होती है, उसके बीच का एक वक्त होता है। आप देखे होंगे इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे एक फिल्टर भी आता है सीपीआर के नाम से, इसमें हल्का सा वो येलोइश टिंट आपको देखने को मिलता है, और इसी डेफिनेशन से सीपीआर के होम्योपैथी में ओरिजिनेशन ऑफ सीपीआर है। कैसे, इसको मैं बताऊंगा आपको इसके थ्रू। इट इज स्टेटेड ऑन द अथॉरिटी ऑफ डॉक्टर हेरिंग दैट एन इंटीमेट फ्रेंड एंड पेशेंट ऑफ हनीमैन एन आर्टिस्ट वाज इन द हैबिट ऑफ वेटिंग हिज ब्रश कंटेनिंग इंडिया इंक विद हिज सलाइवा। एक हनीमैन के दोस्त थे जिनको बहुत सारी सिम्टोमेटोलॉजी क्रॉनिक एलिमेंट्स हो रहे थे, और हनीमैन को उसका कॉज नहीं समझ में आ रहा था। हनीमैन हमेशा कॉज ढूंढने की कोशिश करते थे, वो जानते थे कि क्या है जो इस सिम्टम्स को अराइज कर सकता है, सराउंडिंग में इसके क्या ऐसी चीजें हो सकती हैं, और क्योंकि वो हनीमैन के बहुत क्लोज फ्रेंड थे तो वो उनको क्लोजली ऑब्जर्व कर सकते थे। उन्होंने लगातार देखा, उनको कुछ ऐसा नहीं मिला जो उनको लगे कि हाँ इस वजह से ये सिम्टोमेटोलॉजी आई होगी। फिर एक दिन अचानक से डॉक्टर हनीमैन ने नोटिस किया कि वो एक आर्टिस्ट थे, तो जब वो पेंटिंग कर रहे थे तो जब वो कलर में डिप करते थे जिस ब्रश को, उसको लगाने से पहले अपनी जीभ पे एक बार ऐसे करते थे थोड़ा गीला करने के लिए, और फिर कलर करते। और फिर जब हनीमैन ने इंक्वायर किया कि व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स दैट गोज इनटू द मेकिंग ऑफ दिस कलर, देन ही रिकॉग्नाइज्ड दैट द इंक फिश, दैट इंक दैट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय दैट कटल फिश वॉज यूज एज एन इंग्रेडिएंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कलर। और तब हनीमैन ने ये सीपीआर का उस इंक को लिया और उससे प्रूविंग चालू करी, और वास्ट सिम्टोमेटोलॉजी ऑफ सीपीआर हमें होम्योपैथी में देखने को मिली थ्रू दैट पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन। हनीमैन सजेस्टेड दैट द इंक एज द प्रोबेबल कॉज ऑफ हिज परसिस्टेंट सिम्टम्स। द आर्टिस्ट डाउटेड दिस, आर्टिस्ट ने बोला मैं ऐसा थोड़ी होता है, इसकी वजह से थोड़ी हो सकता है, बहुत ही वेग लगा उसको ये चीज। बट नेवरदलेस मॉडिफाइड हिज कस्टम ऑफ कवरिंग द लिप्स विद अ लेयर ऑफ स्पॉन्ज मॉइस्चराइज्ड विद वाटर, the mouth being protected by an impervious throat pliable shield and his obscure illness shortly passed away. Hanuman ne bola agar tumhe vishwas nahi hai to is cheez ko apna cover karke is cheez ko na karke dekho. Aur artist ki hairani ki hai ki jab usne ye protection kara, jab usne ye cheez kari, his symptomatology shortly passed away by itself without any medication, and that is how Hanuman got to know about the effects of CPR. Hanuman then instituted provings with the CPR suckers. All the symptoms observed by him have since been confirmed. Hanuman ने पहली बार chronic diseases में अपनी CPR को mention करा था,
और यही अपने आप में बताता है कि इट इज एन डीप एक्टिंग एंटी माइस्मेटिक ड्रग। 1242 सिम्टम्स पहली प्रूविंग में आए थे और जैसे जैसे आगे बढ़ी 413 सिम्टम्स और एड हुए। और सीपीआर की प्रूविंग में हमें इतना विश्वास और क्यों रखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही स्टॉलवर्ट पर्सनैलिटी है हमारी होम्योपैथी में जिनका नाम है डॉक्टर कार्ल डनन। 1874 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी ने बहुत सारे ड्रग्स लिए थे रिप्रूव करने के लिए टू नो वेदर हनीमैन वॉज राइट और नॉट, एंड कार्ल डनन चोज सीपीआर फॉर दिस टास्क ऑल्सो। And he found that after proving CPR, they testified to the fact that the proving left us by Hanuman cannot be improved upon. Hanuman जो इसकी proving कर गया है वो symptomatology सारी CPR में reprove करने पे भी मिलती है और कुछ extra improvement इसमें नहीं करा जा सकता। जो थोड़ा बहुत symptomatology add हुई वो आपको Dr. Allen, T.F. Allen की encyclopedia में देखने को मिल जाएगी, जो इस particular American Institute of Homeopathy ने reprove करी। और उन्होंने इस बात को माना था कि हनीमैन वाज अ ग्रेट प्रूवर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड इट इज प्रूव्ड बाय द रीसेंट रीप्रूविंग डन बाय देम। अब ये बात हमें समझ में आ गई। सीपीआर में जब आप देखते हैं तो एक चीज हम हमेशा बोलते हैं कि सीपीआर इज अ प्रीडोमिनेंटली फीमेल रेमेडी, पर आप इस स्टोरी को जानने के बाद ये हैरान होंगे, द फर्स्ट प्रूवर ऑफ सीपीआर वाज अ मेल। वो आर्टिस्ट हनीमैन का जो दोस्त था ही वाज अ मेल पेशेंट, एंड बोला क्यों जाता है, क्यों हम ऐसा कहते हैं कि सीपीआर या किसी भी रेमेडी को हम बोलते हैं इट इज अ प्रीडोमिनेंटली मेल रेमेडी, इट इज अ प्रीडोमिनेंटली फीमेल रेमेडी, व्हाट आर द कंक्लूसिव प्रूफ्स जो हमें बताते हैं कि ये ऐसा है। और हमेशा प्रीडोमिनेंटली होती है, प्योरली नहीं होती। ये प्रीडोमिनेंटली और प्योरली में बहुत फर्क है। कोई भी मटीरिया मेडिका की ऐसी मेडिसिन नहीं है जो प्योरली मेल है या प्योरली फीमेल है, इट इज प्रीडोमिनेंटली फीमेल और प्रीडोमिनेंटली मेल। अब यहां पर डॉक्टर पी शंकरन अपनी किताब में वो फैक्ट्स बता रहे हैं जो कि इसको प्रीडोमिनेंटली फीमेल रेमेडी बनाते हैं। कंसिडरिंग द फैक्ट दैट इट अफेक्ट्स द सेक्सुअल ऑर्गन्स इन वुमेन एंड कंसिडरिंग दैट मेनी ऑफ इट्स एग्रवेशन आर कनेक्टेड विद द सेक्सुअल स्फीयर, एग्जाम्पल विद मेंशन coition, pregnancy, abortion, menopause, etc. Combined with the fact that it covers the bad effects from anger, fright, grief, disappointment in love. Therefore, it is an excellent remedy for various complaints in women. अगर आप basic female psychology उठा के देखेंगे तो आपको, और कई papers इसमें हैं, अगर आप ये चीज देखेंगे तो ये prove करा गया है कि men are persons who are more interested in things and female are persons who are more interested in people, their emotion. And इसी वजह से जो emotion इतने अच्छे से feel कर सकता है वही उस emotion से effect ज्यादा हो सकता है। तो यहां पर ये जो बात कह रहे हैं ना bad effects, ये ऐसा नहीं है male में नहीं होते, पर ऐसा पाया गया है कि ये female में ज्यादा predominantly effect करते हैं with its particular sphere of action on the female sexual symptoms during proving. इसके aggravation भी आप जब उठा के देखोगे तो यही फीमेल परेशानियों से रिलेटेड है। मेंसेस में एग्रेवेशन हो रहा है, सेक्सुअल कंप्लेंट्स करने के सेक्सुअल एक्सेस के बाद एग्रेवेशन हो रहा है, प्रेगनेंसी में एग्रेवेशन हो रहा है, अबॉर्शन से एग्रेवेशन हो रहा है, मेनोपॉज से एग्रेवेशन हो रहा है, ल्यूकोरिया से एग्रेवेशन हो रहा है। ये सारी सिम्टोमेटोलॉजी फीमेल से अराउंड ही रिवॉल्व करती है। इस वजह से डॉक्टर पी शंकरन कहते हैं कि इट इज सेड टू बी अ प्रीडोमिनेंटली फीमेल रेमेडी। कुछ भी ऐसे ही नहीं लिखा गया है, सबके पीछे एक रीजन। अब अगर आप सीपीआर को एक बेसिक और रेमेडी के कंपैरिजन में समझोगे तो इसके बहुत क्लोज कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज होती है नक्स वोमिका और इग्नेशिया। और अगर आप सीपीआर समझना चाहते हो ना तो सीपीआर ने इग्नेशिया का डिप्रेशन और सैडनेस उठाया और नक्स वोमिका की इरिटेबिलिटी उठाई और अपनी पर्सनैलिटी में डाल दी और एक इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन जो बाद में बना उसको हम सीपीआर कहते हैं। और यही वजह है कि नक्स वोमिका और इग्निशिया आर वेरी क्लोज कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी टू सीपीआर, बहुत क्लोजली लाइक करती है सीपीआर के नक्स वोमिका और इग्निशिया। इग्निशिया में एक प्योर डिप्रेशन, प्योर सैडनेस, प्योर ग्रीफ है। अगर कल आपने एक बहुत ही अच्छा सर ने, राशि सर ने एक पोस्ट डाला है इंस्टाग्राम पे और वीडियो भी डाला है यूट्यूब पे, मैं चाहूंगा कि आप जाके देखें। उसमें उन्होंने बताया है कि कौन कौन सी रेमेडी में ग्रीफ के साथ क्या क्या चीजें मिलती हैं।
कि ग्रीफ विद डिप्रेशन है तो क्या है, ग्रीफ विद एपैथी है तो क्या है, और इग्निशिया में उन्होंने लिखा है ग्रीफ ग्रीफ एंड ओनली ग्रीफ। ये जो ग्रीफ का कॉन्सेप्ट है इग्निशिया का, ये जो सैडनेस है, ये जो डिप्रेशन है, ये सीपिया के अंदर भी आपको देखने को मिलता है। नक्सवामिका का वो एंगर, वो इरिटेबिलिटी, वो चिड़चिड़ापन, वो एक्सेसिव जील फॉर डूइंग समथिंग, ये सब आपको सीपिया के अंदर देखने को मिलती है। एक अमेलगमेशन है इन दोनों का। डॉक्टर रॉजर मॉरिसन कहते हैं क्यों हमें सीपिया इतना, और मैं सीपिया पे इसलिए इतना फोकस कर रहा हूं, और सीपिया मैं क्यों चाह रहा हूं कि आप बहुत बेसिक से समझें, क्योंकि आई हैव सीन एन नंबर ऑफ केसेस विच हैव बीन क्योर्ड बाय सीपिया इन माय गुरुज क्लिनिक, एंड आई हैव सीन सो वंडरफुल रिजल्ट विद दिस रेमेडी that I have no doubt that it is one of the top, not 10, I would say, or top 5 polycrystal remedy that we have. CPR certainly ranks within our top 10 polycrystal and much higher in women where it is in the top 3 remedies prescribed. Dr. Roger Morrison is baat pe pehli line mein hi CPR mein apni kitab mein focus karte hain. Ye batana chahte hain ki how important it is for you to know this remedy. Aur Dr. ML Tyler, डॉक्टर गिब्सन मिलर के बारे में बताती हैं कि डॉक्टर गिब्सन मिलर से जब पूछा गया कि एक ऐसी कौन सी रेमेडी है जो आप अपने पास रखोगे अगर एक ही आपके पास चॉइस हो, तो डॉक्टर गिब्सन मिलर कहते हैं सीपिया। इट इज इम्पेरेटिव टू गेट अ ट्रू रियलाइजेशन ऑफ सीपिया, वन ऑफ आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडीज इन क्रॉनिक डिजीजेस। आई एम टोल्ड दैट डॉक्टर गिब्सन मिलर द ग्रेट प्रिस्क्राइबर यूज्ड टू से दैट इफ ही माइट हैव ओनली वन ड्रग ही वुड चूज सीपिया एंड नथिंग एल्स। एक अगर दवाई वो बोलते हैं मुझे दे दो और कोई मत दो, वो कहते हैं सीपिया दे दो उतना ही काफी है। दैट इज हिज नॉलेज अबाउट सीपिया एंड ही इज शोइंग कि व्हाट वाइड रेंज ऑफ एक्शन सीपिया हैज ऑन आवर सिस्टम ऑन आवर बॉडी। अगर आपको सीपिया की पर्सनालिटी में, आप एरन कीनोट्स है अमिताभ पास में? यस सर। एक बार एलन कीनोट में वो वॉशर वुमेन रेमेडी कहीं लिखा होगा, देखो शुरुआत में वो पढ़ना, वो वाला सेंटेंस पढ़ना, डिजीज ऑफ वुमेन वाला। हाँ, डिजीज ऑफ वुमेन स्पेशली दोज अकरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी चाइल्ड बेड एंड लैक्टेशन ऑफ ऑल डिजीजेस अटेंडेड विथ सडन प्रोस्ट्रेशन एंड सिंकिंग फेंटनेस म्यूरेक्स और नक्स। द वॉशर वुमेन remedy complaint that are brought on by or aggravated after laundry work. अब ये जो बोल रहे हैं the washerwoman remedy, laundry work करने के बाद क्या मतलब हुआ है? कैसे हम समझेंगे कि ये washerwoman, हर कोई जो कपड़े धो रहा है हम उसको सीपिया दे लें? कौन ऐसी इंडियन कल्चर में वुमेन है who is due to some circumstances, not exclusively I'm saying, but saying कि who is देर जो ये काम ना करती है या कपड़े ना धोती है, तो क्या हम सबको सीपिया दे देंगे? या कपड़े धो के कौन एग्जॉस्ट नहीं होता, क्या हम सबको सीपिया दे देंगे? इस चीज की परफेक्ट पिक्चराइजेशन, एक परफेक्ट पोर्ट्रेट आपको समझनी है तो आप एमएल टायलर की मटीरिया मेडिका में जाके इस चीज को समझिए कैसे उन्होंने ब्यूटिफुली इस वॉशर वुमेन रेमेडी को डिस्क्राइब किया है। पिक्चर हर द सैलो टायर्ड मदर ऑफ अ लार्ज फैमिली ऑन वॉशिंग डे। She is perspiring profusely, pouring under the arms. She cannot be shut in because of the heat and the stuffness which makes her feel faint. Yet the cold wind that rushes in at the open window is almost unbearable. Her back aches fearfully. She wants to press it to support it. She feels she must sit down or cross her legs as her whole inside seems to be dragging down and coming out of her. She simply must sit down to keep it in. आप इसका हर एक एक लाइन, हर एक एक चीज सिम्टम है सीपिया का। वो ओवरवर्ड, आप एक चीज समझ लीजिए, जितनी भी सीपिया, ये जो वॉशर वुमेन रेमेडी बोला गया है ना, ये सिंपली यहां पर वो जताना चाह रहे हैं अ वुमेन हु इज ओवर टैग्ड, ओवरवर्कड बाय द डेली वर्क दैट शी इज डूइंग इन हर एनवायरमेंट। थक चुकी है वो, परेशान हो चुकी है, ओवर एग्जॉस्टेड हो चुकी है इस काम से। She is perspiring profusely, pouring under the arms. उसका faintness जैसी feeling है कि अब मैं बेहोश हो जाऊंगी।
गरम गरम रूम में अंदर जहां कपड़े धो रही है उसमें उसको दिक्कत हो रही है, पर अगर ठंडी हवा आती है उससे भी उसको दिक्कत है, बिकॉज सीपीआई इज एक्सट्रीमली चिली। बैक में आप एलएनटी नोट्स में ही सिम्टम देखोगे हाउ सेंसिटिव सीपीआर बैक इज, और उसको ऐसा लगता है ये जो ड्रैगिंग डाउन है सेंसेशन है कि सब कुछ नीचे चला आएगा, प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम, प्रोलैप्स ऑफ यूटरस, ये टाइप ऑफ फीलिंग। और अपने लेग्स को क्रॉस करके बैठती है सीपीआर हमेशा, ऐसे करके बैठेगी, लेग्स ऐसे करके नहीं बैठेगी, यूं करके। क्यों? क्योंकि वो रोकना चाहती है, उसको ऐसी सेंसेशन हो रही है कि समथिंग विल प्रोलैप्स फ्रॉम देयर, और उसको कंट्रोल करने के लिए वो क्रॉस करके बैठती है। समटाइम्स इन क्लिनिक्स यू कैन सी दिस ऑल्सो द वरी। अब देखो एक चीज ये हो गई, अब उसी में आगे क्या, द वरी ऑफ द चिल्ड्रन इज मोर देन शी कैन बियर, हर कैमोमिला बेबी वॉन्ट्स टू बी पिक्ड अप एंड कैरीड एंड वेल्स एंड स्क्रीम्स, द क्वारल्स ऑफ द पेनल्टीमेट बेबीज एंगेज इन स्क्रैचिंग ईच अदर आईज आउट आर मोर देन शी कैन बियर। उसके बच्चे जो कि एमिल टेलर कहती है कैमोमिला जैसे हैं, कैमोमिला बच्चे मतलब बर्बादी, एक दूसरे पे लड़े पड़े हैं, चिल्लाए पड़े हैं, जब तक नहीं चुप होंगे जब तक वो गोदी में नहीं उठाएगी, विच इज अ कॉमन एमुलेशन फॉर कैमोमिला बेबीज, चिल्लाए पड़े हैं। कैमोमिला बेबी यूं ही नहीं, ऐसा नहीं चिल्लाता कि आप सहलो, ऐसा चिल्लाएगा कि आप अपने सर नोच लोगे। वो बोल रही है कि उसका कैमोमिला भी इस तरीके से कर, और वो बस चाह रही है किसी तरीके से ये चुप हो जाए, किसी तरीके से ये शांत हो जाए, मैं थक चुकी हूं इन चीजों से, मैं परेशान हो गई हूं, मैं ओवरटैक्स्ड हो गई हूं, अब मुझसे और नहीं झेला जा रहा है। He bows down and she does not care. Oh, how she wants to run away and leave it all and have a little peace. Her head aches. The pain is left-sided today. Last time it was on the right side, as she remembers. She is so jumpy and nervous. She has to hold on to the edge of the wash tub to prevent herself from screaming. If she could only go away from everybody and everything and lie down alone in the dark, close her eyes. Her husband comes in. She has no smile to greet his. Nothing but dull indifference and weariness. अब यहाँ पर देखो ये development of sepia का picture है। वो क्या बोल रही है? बस वो चाहती है कि इन सब चीजों से दूर चली जाए। मुझे अकेला छोड़ दो, एक रूम में आंखें बंद करके कुछ देर के लिए मैं बस लेटना चाहती हूँ। ना मेरे बच्चे मेरे पास आए, ना मेरे पति मेरे पास आए, कोई मुझसे कुछ ना कहे। ये उसके indifference को signify कर रहा है यहाँ पर paragraph। और उसका बैकग्राउंड दिखा रहा है कि ओवरटैक्स्ड वुमेन जो इस इनडिफरेंस को अब पैदा कर रही है क्योंकि वो थक चुकी है, परेशान हो चुकी है इन सब चीजों से, और अब वो नहीं चाहती कि कोई भी उससे आके कुछ भी कहे, उसको अकेला छोड़ दो बस। और ये जो अंदर से उसका मन कर रहा है ना कि चिल्लाए, ये कहीं ना कहीं पैरेलल में नक्स वोमिका से रिलेट करा रही है जो मैंने पहले बताया। इरिटेबिलिटी, ये बाउट्स ऑफ एंगर जो सीपीआर में आते हैं ना, ये वो नक्स वोमिका के तरीके से हैं। या बस तुरंत कुछ बोल देगी, तुरंत कुछ चिल्ला देगी, तुरंत किसी को मार देगी, ये अंदर से जो इंपल्स आ रहा है, दिस इज द इरिटेबिलिटी दैट इज वेरी मच पैरेलल टू नक्स वोमिका। एंड द आफ्टरवर्ड, द इनडिफरेंस दैट इज देयर, द सैडनेस दैट इज देयर, द एपथी दैट इज देयर, दैट इज वेरी मच लाइक इग्निशिया एट द एंड। परेशान होके थक गया, मुझे छोड़ दो अकेले। अब इसी में आगे देखेंगे, शी हैज हर वर्क टू डू, टॉसेस टॉसेस एवरीवेयर, टॉसेस मतलब ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स, ड्रैगी सेंसेशन, वही स्टेसिस, हर होल बॉडी इज ड्रैग डाउन इनसाइड एंड आउट, वेन्स पाइल ऑल स्टैग्नेंट एंड ड्रैगिंग हर डाउन, इवन आईलिड्स आर टू हैवी टू होल्ड अप, इफ वन वुड शी वुड लाई डाउन एंड क्लोज देम, शी नोज इवन 10 मिनट्स स्लीप वुड मेक हर अ न्यू वुमन, बट देयर आर द सोप सर्ज, द स्टीम, द स्टफिनेस, द टेरर ऑफ हर रेस्टलेस चिल्ड्रन विद द नॉइज एंड फिजिटिंग, स्लीप इज नॉट फॉर हर, हर लिटिल पल्सेटिला मेड पीस। अब आप देखो यहाँ पर इतनी ब्यूटिफुल ये मटीरिया मेडिका है एमएल टाइलर की, सीपीआर को डिस्क्राइब करते करते आपको इतना ब्यूटिफुली वो कैमिला के बच्चों को और पल्सेटिला की लेडी को डिस्क्राइब करेगी, आप मानिए वो क्या यहाँ पर बोल रही है पल्सेटिला के बारे में, बहुत सही तरीके से सुनिएगा। स्लीप इज नॉट फॉर हर, हर लिटिल पल्सेटिला मेड पीस, कांट आई हेल्प यू मम्मी, बट शी पुशेस pushes her off and the little maid creeps away weeping. अब आप इस चीज को समझिए, वो पल्सिटला की पर्सनैलिटी को दिखा रहा है कि पल्सिटला जाएगी कि मैं आपकी कुछ मदद कर दूं, वो उसको चिल्लाएगी, और पल्सिटला being so sensitive, so fragile, she starts weeping and goes away, रोते रोते भाग जाएगी वहां से।
मम्मी फील्स दैट शी इज इनडिफरेंट टू हर पीयर्स, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि वो रोए चाहे कुछ भी हो उसके साथ, हर चीज से उसको फर्क पड़ना बंद हो गया है, बस वो चाहती है मुझे चैन आराम, कुछ मिनटों की शांति, कुछ मिनटों की स्लीप चाहिए मुझे. The children are hungry and her husband waits for his dinner. She is indifferent. Let them wait. She is irritable, indifferent and apathetic. He looks at her sadly. Her dull face has lost its contour, its bloom, its pleasing lines. Brownie band and blotches are on her forehead and saddle wise across nose. She was, ab ye last line pe focus karo. She was a bright and bonny girl when he married her. Now she is sepia. Ab is last line ko relate karne ke liye main chahunga ek bar Amitabh Allen ki notes ki पहली लाइन पढ़ो सीपिया. Adapted to persons of dark hair, rigid fiber, but mild and easy disposition. Pulsatile. बस ये mild और easy disposition को over circle कर लो जितनी बार कर सकते हो और highlight कर लो. आपको ये जो दो पन्ने तीन पन्ने की सीपिया देखने को मिली, कहीं से भी ये mild और easy disposition की लगी आपको? नहीं लगी. पर एंड में एमएल टेलर कवर कर रही है उस सारी बातों को कि उसका हस्बैंड क्या कह रहा है. शी वॉज अ ब्राइट एंड बॉनी गर्ल व्हेन ही मैरिड हर, और अब देखो क्या हो गया है. सीपिया की ओरिजिनल पर्सनैलिटी इज नॉट दैट ऑफ इनडिफरेंस, नॉट दैट ऑफ द इरिटेबिलिटी दैट इज शोन हियर. सीपिया ओरिजिनली इज अ वेरी ब्राइट, वेरी बॉनी, वेरी माइल्ड, इजी गोइंग गर्ल. पर जैसे जैसे ये उसके सर्कमस्टेंसेस उसके साथ चढ़ते चले जाते हैं, ये पर्सनालिटी में चेंजेस आना चालू हो जाते हैं. जैसे जैसे वो ओवरटैक्ड होने लगती है अपने सराउंडिंग, अपने वर्क से इतना ज्यादा, वैसे वैसे वो चेंज होती चली जाती है. अब हम लोग क्या समझते हैं जब हम मेंटालिटी की बात करते हैं सीपिया की, कि सीपिया में क्या है? इनडिफरेंस है. अब मेरे को समझाओ, मैंने फॉस्फोरिक एसिड का इनडिफरेंस जब आपको समझाया था तब मैंने आपसे कहा था कि सीपिया भी इनडिफरेंट टू एवरीथिंग है, पर सीपिया का इनडिफरेंस इज अ डिफरेंट इनडिफरेंस. और ये कैसे, क्या सीपिया इनडिफरेंस से डिफाइन करी जा सकती है? बून और बेन मैंने यहां पर इसे लिखा, क्या ये फायदेमंद है या ये एक नुकसान है सीपिया को इनडिफरेंस से पहचानना? क्या है ये, कैसे आप पहचान सकते हो सीपिया के इनडिफरेंस को? कोई बताएगा कि सीपिया का इंडिफरेंस कैसा होता है? अगर आप लोगों को पढ़ाई गई है, आप लोग बता रहे हो इंडिफरेंस अगर पढ़ाया गया है तो क्या होता है सीपिया का इंडिफरेंस? सर आप कहते हैं सीपिया का इंडिफरेंस टेम्पररी होता है, और वो तो मैंने फॉस्फोरिक एसिड से डिफरेंशिएट करके बताया था. यस सर. क्लास में कुछ बताया इसके बारे में? सर जिन्हें वो पहले बहुत प्यार करती थी, बहुत मानती थी, उन्हीं के लिए इंडिफरेंट हो जाती है सीपिया. क्यों तुम्हें ऐसा लगता है, ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल सही बात बोली तुमने. अगर आप एलन की नोट भी पढ़ोगे तो उन्हीं के प्रति इंडिफरेंस है जिनसे वो एक जमाने में सबसे ज्यादा प्यार करती थी. और अगर आप इमोशंस को बहुत डीपली समझोगे ना तो इंसान नफरत भी उन्हीं से करता है जिससे उस तरीके की स्ट्रॉन्ग फीलिंग, वो इमोशन वो डेवलप कर सके अपने अंदर, तभी वो उससे उस तरीके की नफरत, उस तरीके का इंडिफरेंस भी रख सकता है. ऐसा क्यों है या क्या हम समझते हैं? आप रूब्रिक्स देखोगे, इतने सारे इंडिफरेंस के रूब्रिक में सीपीआर टॉप ग्रेडेशन में है. इंडिफरेंस टू बिजनेस अफेयर्स, इंडिफरेंस टू एवरीथिंग, इंडिफरेंस फीवर ड्यूरिंग lies with eye closed, loved ones to, pleasure to, relation to, children to, हर तरीके का indifference. It depends on your understanding of this words and its manifestation in sepia and the search for the cause to this effect. ये indifference तो है, पर इस indifference का cause क्या है? और मैंने इस मामले में मैं अपने सर को बहुत ज्यादा thanks बोलना चाहूंगा, क्योंकि अगर मुझे सीपिया की पर्सनालिटी को समझना है, इनडिफरेंस को समझना है, तो विदाउट दिस वर्ड एक्सेंट्रिक व्हिच वाज गिवन टू मी बाय माय गुरु, इट कैन नॉट बी अंडरस्टूड. अब ये एक्सेंट्रिसिटी, ये एक्सेंट्रिक वर्ड है क्या? द इनडिफरेंस ऑफ सीपिया इज ऑलवेज प्रेजेंट
इन द लाइट ऑफ एक्सेंट्रिसिटी. अब ये एक्सेंट्रिसिटी क्या चीज है? एक्सेंट्रिसिटी का बेसिक एक आसान सा मीनिंग ये है, व्हाट इज इम्पोज्ड ऑन यू विल नॉट एक्साइट यू. सीपिया फीमेल्स में वो चीजें जो उसकी पर्सनैलिटी पे इम्पोज करी जा रही हैं, जो उसके खुद का मन नहीं है, वो खुद से कुछ और चीजें चाहती है पर उसके ऊपर वो चीजें इम्पोज करी जा रही है, वो उसे नहीं चाहती है, वो चीज पैदा करेगा सीपिया में इनडिफरेंस. एक वर्किंग हार्ड वर्किंग कैरियर ओरिएंटेड वुमेन जब अपनी शादी के बाद इतने सारे फैमिली मैटर्स को, इतने सारी जिम्मेदारियों को, बच्चों को, घर को, अपने कामकाज को मैनेज नहीं कर पा रही और उस देख रही है कि मेरा करियर है, मेरा करियर एक पहली प्रायोरिटी थी पर अब बच्चे बच्चों की देखभाल, माता पिता की देखभाल, सास ससुर की देखभाल, पति की देखभाल, यही मेरी जिंदगी हो गई है. ये जो कि वो चाहती नहीं थी पर जो कि इम्पोज करा गया है उस पर, दैट विल प्रोड्यूस द इनडिफरेंस टू द लव्ड वन जिनको वो पहले प्यार करती थी. शुरुआत में आई, बच्चे बहुत पसंद है, अपना कैरियर चल रहा है, हस्बैंड बहुत पसंद है, धीमे धीमे जैसे बच्चे बड़े हुए जिम्मेदारियां बढ़ी और तरीके की जिम्मेदारियां आई जैसे जैसे, और उसका जो कैरियर है वो कहीं ना कहीं दबता चला जा रहा है. इसी वजह से सीपिया में बिजनेस एमोलरेट्स है, ऑक्यूपेशन एमोलरेट्स है. आप देखोगे आराम देता है उसको ऑक्यूपेशन, वो ऑक्यूपेशन आराम देता है जो वो एक्चुअल में प्रेफर करती है, जो एक्चुअल में करना चाहती है, नहीं तो बिजनेस अवर्स टू भी है. आप देखोगे सीपीआई में दोनों चीजें मिलेंगी, अवर्जन टू वर्क भी है. अब आप बोलोगे ये ऑक्यूपेशन एम्बरेट्स भी है, बिजनेस अवर्स भी है, ये दोनों कैसे मिल रहा है? इस दोनों को समझने के लिए या इस इंडिफरेंस को समझने के लिए आप बस एक चीज समझो, व्हाट इज इम्पोज्ड ऑन हर विल नॉट एक्साइट हर. जो वो नहीं करना चाहती, जो उसको मजबूरन करना पड़ रहा है, वो सीपिया के अंदर इस तरीके का इनडिफरेंस, इस तरीके की इरिटेबिलिटी, इस तरीके का एंगर, इस तरीके का रिप्रेशन, एक तरीके का जो होता है वो प्रोड्यूस करेगी. जो मैं हूं, जो मेरी पर्सनालिटी है, मैं वो चाहती हूँ, वो नहीं मिल रहा है, कुछ और है, कर रही हूं वो भी, पर वो उससे इतना ओवरवेल्म हो गई हूँ, ओवरटैक्स्ड हो गई हूँ. याद करो उस वुमेन को जो बस 5 मिनट के लिए लेटना चाहती है, थक चुकी है इन कामों से. अब उसको पता ही नहीं जो मैं ओरिजिनली चाहती हूँ वो है क्या, क्योंकि मैं इतना सुपर इम्पोज हो चुकी हूँ अदर काम से. तो इस ये चीज प्रोड्यूस करता है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे पति से मतलब नहीं, मुझे बच्चों से मतलब नहीं, मुझे किसी से कुछ मतलब नहीं. अब यहां पर मैं वापस आपको ले जाना चाहूंगा वो यंग के कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सोना एंड शैडो. अब इसको थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करना. क्या आप लोग में से कोई ये पढ़ा है सीपिया में कि सीपिया को मैनिश वुमेन कहा जाता है? Yes, a female, a female who is showing masculinity like symptomatology या masculinity like nature. इसको ही समझाने के लिए मैंने आपको कार्ल गुस्ताव यंग के उस कॉन्सेप्ट में एनिमा एनिमस का नाम लिया था. अगर आप बेसिक समझेंगे, अगर यंग का ये जो एनिमा एनिमस का कॉन्सेप्ट क्या है, तो एक बेसिक भाषा में मैं आपको समझाता हूँ. यंग कहता है कि किसी भी पर्सनैलिटी के अगर आप इनर सेल्फ में जाओगे, तो अगर कोई मेल है तो एक मेल के अंदर कहीं ना कहीं दबा हुआ उसका कॉन्ट्रा सेक्सुअल पार्ट, दैट इज फीमेल, फेमिनिटी दबी अंदर कहीं ना कहीं रहती है. एक फीमेल में कहीं ना कहीं वो मैनहुड, वो मैस्कुलिनिटी दबी हुई रहती है, और उसी को वो अगर मेल में वो फेमिनिटी है तो एनिमा, और फीमेल में वो मैस्कुलिनिटी है तो एनिमस कहता है. वो कहता है ये एक पॉजिटिव इफेक्ट में, ये एक पॉजिटिव तरीके से कभी ना कभी बैलेंस करती रहती है हमारे बाहरी पर्सनैलिटी को. जब हमें वो इनर फेमिनिटी, इनर फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक का पार्ट थोड़ा चाहिए होता है, तो ये उसको पुश करती है हमारी पर्सनैलिटी में, जिससे कि हम उसको मैनेज कर पाए. पर यंग कि इस कॉन्सेप्ट में सीपिया, यहां पर जानते हो क्या होता है, सीपिया में ये मैस्कुलिनिटी का पार्ट ओवर पावर कर जाता है. सीपिया इसी वजह से ओवर एग्रेसिव अपनी पर्सनालिटी में, ओवर इंडल्जेंस विद वर्क, जीलस, ये तरीके की जो
मैस्कुलिन ट्रेट्स होते हैं ये सीपिया में ओवर पावर कर जाते हैं, और यही कहीं ना कहीं क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है कि हम फीमेल्स को एक पर्टिकुलर फ्रेम में, और हमारा ही कल्चर नहीं, आप कहीं भी कल्चर देख लीजिए, एक फीमेल और मेल की टाइपोलॉजी हो रखती है क्योंकि सारा समाज उनको उस तरीके से देखता है, और जब इस सीपिया का वो मैस्कुलिन वो एनिमस पार्ट ओवर एक्साइट हो जाता है, ओवर पावर कर जाता है और पर्सनैलिटी पर रिफ्लेक्ट करता है, और जब समाज में वो उस एक्सट्रीम मैस्कुलिनिटी को फीमेल लेके जाती है उसके ट्रेट्स को, तो समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, वहां से एक रिप्रेशन पैदा होता है, एक सप्रेशन पैदा होता है, और वो कहीं ना कहीं ये इनडिफरेंस पैदा करता है सीपीआ का। अगर आप सीपीआ को एक अलग तरीके से समझो, जैसे कि हम सीपीआ क्या है, कटल फिश है, आपको पता है सीपीआ किस फैमिली से बिलोंग करती है, कोई बताएगा विच फैमिली इज सीपीआ फ्रॉम? मोलस्का, सेफलोपोडा, अगर नेचुरल ऑर्डर देखें तो मोलस्का इज राइट, इट इज अ कॉमन नेम, पर सेफलोपोडा वो फैमिली है। इसके अंदर आपके स्नेल्स भी आते हैं, इसके अंदर आपका ऑयस्टर भी आता है, इसके अंदर आपका ये कटल फिश भी आता है। अगर आप अलग अलग देखो, स्नेल एक इंटरमीडियरी है, ऑयस्टर अलग है, और सॉरी ऑयस्टर अलग है और ये अपना कटल फिश अलग है। कैल्केरिया का आप ऑयस्टर शेल आप पढ़ते हो, क्या है, पूरे तरीके से शेल में दबा हुआ है, आउटर हार्ड शेल है, अंदर दबा हुआ है, कोई लोकोमोशन नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, डल स्लगिश ल्यूकोफ्लेगमेटिक पड़ा हुआ है एक जगह पे, सिडेंटरी लाइफस्टाइल एकदम, ना ओपनिंग, एक बार वो ओपन होगा रॉक से जुड़ा हुआ, बस एक बार दो बार ओपन होता है, मिनिमम टू मिनिमम लोकोमोशन, मिनिमम एक्टिविटी। इसी के एक इंटरमीडियरी एस्पेक्ट पे आते हैं स्नेल, स्नेल्स में हल्का सा वो लोकोमोशन एक्स्ट्रा होता है, हल्का सा वो उसके लिम्ब्स निकलना चालू होते हैं, टोटली नहीं निकलते, निकलते हैं और वो वापस शेल के अंदर उनको ले सकता है, उसके अंदर ये कैपेसिटी रहती है। सीपिया जब आप पढ़ोगे कटल फिश की, आप जब ये चीज जानोगे, मेटामॉर्फोसिस जानोगे, डेवलपमेंट जानोगे इन्फेंट से अडल्ट का, इन्फेंट में सीपिया या कटल फिश भी वही शेल रहता है इनक्लोज, जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके भी लिम्ब्स बाहर आते हैं, पर जैसे कि स्नेल अपने लिम्ब्स को अंदर वापस ले सकता है, सीपिया वापस नहीं ले सकता उनको अंदर, वो एक बार निकल गए तो वो बाहर ही रहते हैं। और यही ट्रांसफॉर्मेशन में, क्योंकि एक ही फैमिली के हैं, ये आपको इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप देखो कि ऑयस्टर से सीपिया कितना कॉन्ट्रास्ट में है, जहां उस फैमिली में कोई लोकोमोशन नहीं है, जहां उस फैमिली में कोई मूवमेंट नहीं है, जहां उस फैमिली में ये ट्रांसफॉर्मेशन अलाउड नहीं है, सीपिया वहां पर भी रिपेल करके, रिबेल करके आगे आता है, एक अपोजिट पिक्चर प्रोड्यूस करता है। उसी तरीके से जैसे जहां फेमिनिटी प्रिडोमिनेंट है, वहां सीपिया की मैस्कुलिनिटी बाहर आती है प्रिडोमिनेंट होके, जो कि अपोजिट है, कॉन्ट्ररी है टू द बेसिक पिक्चर ऑफ फीमेल, टू द बेसिक फेमिनिटी ऑफ सीपिया। और जैसे जैसे ये बाहर आती है, फिर ये एक्सेंट्रिसिटी और बढ़ती जाती है सीपिया, क्योंकि मेल्स आर मोर अग्रेसिव, दे विल नॉट एक्सेप्ट व्हाट इज इम्पोज्ड ऑन देम व्हेन कंपेयर्ड टू फीमेल्स। और जब इस तरीके की मैस्कुलिनिटी सीपिया में आगे आती है, उसकी एक्सेंट्रिसिटी जागती है, तो वो रिपेल करती है, रिबेल करती है, और उससे प्रोड्यूस होती है सीपिया की जितनी भी ये मेंटल स्टेट्स हैं, ये इनडिफरेंस, ये चिल्लाना, ये बच्चों के टुवर्ड्स एग्रेसिव होना, ये बच्चों को मारना, ये पट्टी के टुवर्ड्स एग्रेसिव होना, सब कुछ छोड़ देना, कुछ इफेक्ट नहीं करना, सेक्सुअल फ्रिजिडिटी आ जाना। आप एक चीज देखो, सीपिया में मैस्कुलिनिटी इतनी छा जाती है कि सीपिया की सारी परेशानी भी यही होती है जहां फीमेल सेक्सुअल कंप्लेंट्स इन्वॉल्व है, जहां एक फीमेल में नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए कुछ सेक्सुअल पार्ट्स है, सारी परेशानियां सीपिया की वही है। क्यों? क्योंकि यही सीपिया की मैस्कुलिनिटी ओवर पावर कर रही है। इसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जस्ट बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड हाउ साइकोलॉजी कैन ऑल्सो बी इंटीग्रेटेड इन मटेरियल मेडिकल। आप कहीं पे जाके इसको बगान ना करिएगा, पहले इसको समझिएगा। नो डाउट मैं अगली बार स्टेसिस और इनडिफरेंस को स्टेसिस के थ्रू भी पूरी सीपिया बताऊंगा, पर ये एक इनर, एक बेसिक कॉन्सेप्ट, एक सेल्फ जानने के लिए सीपिया का बहुत इंपॉर्टेंट है।
इन डिफरेंस बहुत जगह मिलेगा, बहुत सारी फीमेल्स में मिलेगा, बहुत सारी फीमेल रेमेडीज में इन डिफरेंस है। और एक जनरल बात बताओ, कौन सी ऐसी आज दौर में वुमेन होगी जो इजीली अपने ऊपर ये सब चीजें झेल पाएगी आज के समाज में, क्वेश्चन उठता है ना। अगर आप आज का समाज, आज की कल्चर देखोगे, क्या आपको लगता है कि इतना इजीली सप्रेस्ड होती है वुमेन? नहीं होती। तो क्या सबको सीपीआर दे देंगे? ये डिफरेंशिएशन, ये माइनर एक्सेंट्रिसिटी को पकड़ना, ये चीजें हमें डिफरेंशिएट कराएंगी कि ये सीपीआर एक्चुअल में है कि नहीं है। बहुत सारी जगह पे, यहां पर कई फीमेल ऐसी भी होती है जो अपने इस कमी को छुपाने के लिए बाहर बहुत बोस्टिंग होंगी, बाहर बहुत एग्रेसिव होंगी। आपको लगेगा अरे यार ये तो देखो कितना मैस्कुलिनिटी वाली चीजें कर रही है, कितना झलका रही है अपने अंदर, ये सब बोल्ड है कितना, यहाँ ऐसे तो फेमिनिटी नहीं होती, हम सीपीआर दे देते हैं। नहीं, आप इनर सेल्फ में जाओगे तो आप देखोगे वो एक माइल्ड पल्सेटिला पर्सनैलिटी है। ऑल्दो पल्सेटिला यहाँ पर गलत एग्जाम्पल होगा, पल्सेटिला तो रिपेल कर ही नहीं पाएगी कभी, इतनी सबमिसिव होती है। सिलिशा को आप थोड़ा ले सकते हो यहाँ पर, क्योंकि पल्सेटिला और सिलिशा में बोला जाता है, अगर आप पढ़ोगे दोनों ही माइल्ड है, दोनों ही यील्डिंग है, पर डॉक्टर विथोल्कस कहते हैं कि पल्सेटिला का खुद का ओपिनियन ही नहीं होगा, जो तुमने कहा वो सही, तुमने कहा वो गलत। सिलिशिया का अपना ओपिनियन होता है पर वो उसको एग्जर्ट नहीं करती दूसरों। पल्सेटिला में वो ओपिनियन पैदा ही नहीं हुआ, इतनी सबमिसिव है, इतनी यील्डिंग है। नो डाउट सिलिशिया इज ऑल्सो यील्डिंग, बट वहां पर उसका खुद का ओपिनियन है, वो उस पछड़े में पढ़ना नहीं चाहती, उस कि मैं अपना बोलूं तुम अपना बोलो, मैं अपना प्रूफ करने जाऊं, वो नहीं चाहती है सब, इसलिए वो यील्डिंग रहती है। तो ये फाइनर शेड्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड अ पर्सनैलिटी। तो ये जो इन डिफरेंस आप इतने तरीके का सीपीआर में पढ़ते हो, टुवर्ड्स लव वन, टुवर्ड ये, टुवर्ड वो, टुवर्ड यू, ये जो ओवर टैक्स द पिक्चर हमने पढ़ी, जो कि एम एल टाइलर ने हमें समझाई, ये जो एक्सेंट्रिसिटी सीपीआर की हमने समझी बैकग्राउंड की, और ये जो यंग्स का कॉन्सेप्ट ऑफ एनिमस से हमने सीपीआर की उस पर्सनैलिटी को समझने की कोशिश करी, यही एक तरीके से सीपीआर को डिफाइन करती है एट इट्स कोर, एट इट्स बेसिक लेवल। सीपीआर इज द बिग रेमेडी, हम अगली बार भी सीपीआर को और डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर ये इन चीजों को जो आज मैंने बताई है, इनको जाके मटीरिया मेडिका में पढ़ने की कोशिश करिएगा, और आप देखेंगे एक बोगर साइनोप्टिक कीनोट में वर्ड यूज हुआ है मिजरेबल सीपीआर के लिए। वो मिजरेबल इसलिए है क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट में थक चुकी है, वो थक चुकी है इस तरीके से जीने से जो इम्पोज करा जा रहा है उस पर, वो परेशान हो चुकी है, वो इससे बाहर आना चाहती है। और वो रिफ्लेक्ट कैसे करता है बाहर आना? इनडिफरेंस के थ्रू, एपैथी के थ्रू। कोई भी कुछ भी करे मुझे कोई फर्क नहीं, मेरे बच्चे भाड़ में जाए, मेरे पति भाड़ में जाए, सब कोई भाड़ में जाए, ये इनडिफरेंस आपको बाहरी तौर पे दिखता है, जिसके अंदर लाई करता है। क्यों? क्योंकि मैं ये चाहती थी, मुझे ऊपर ये नहीं करने दिया। ऐसी ही वो फीमेल होंगी जो अपने काम पे जाएंगी तो बहुत रिलैक्स होंगी, वापस घर में आई एग्रवेशन। क्यों? क्योंकि वो ये जो उसके ऊपर इम्पोज्ड है, जब इस एनवायरमेंट से वो दूर जाती है तो अच्छा रिलैक्स फील करती है, क्योंकि वहां वो करती है जो उसका मन है, जो वो चाहती है, जहां वो करेगी जो वो नहीं चाहती, जो उस पर इम्पोज करा गया है, वहां वो नहीं झेल पाएगी। तो बेसिक सिम्टोमेटोलॉजी ऑफ सीपीआर को समझने के लिए हम इतना समझने की कोशिश करते हैं। कोशिश करिएगा कि आप इन पर्सन के बारे में जाने, साइकोलॉजी भी थोड़ी नॉलेज लेना चालू करें। बेसिक बुक मैंने आपको बताई थी, किंग एंड मॉर्गन ऑफ साइकोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, एंड नेवर एवर, ये मैं आपको एक वार्निंग इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को मेरे टीचर जो मेरे गुरु हैं उन्होंने काफी बार ये मना करा है कि इतनी शुरुआत में, इतनी इमेच्योर स्टेज पे किसी को ये इस तरीके के मीनिंग्स या इस तरीके की चीजें नहीं समझानी चाहिए। पर मैं आपको बस एक पर्पस है मेरे यहाँ पर, और मैं जानता हूँ कहीं ना कहीं ये आपके दिमाग में कुछ गलत कॉन्सेप्ट बनाएंगे जो कि इसको नहीं समझेंगे ढंग तरीके से, या इमेच्योरली बिहेव करेंगे इसको समझने। पर आप एक चीज समझिए, मैं इस चीज को आपको बस इसलिए बता रहा हूँ कि आपके अंदर वो कीड़ा जागे, आपके अंदर वो फ्लेयर अप होए कि आप किताबें उठा के इन चीजों को पढ़ने की कोशिश करें। द मोर यू डाइव इन टू इट, द मोर यू विल एंजॉय द मटीरियल। तो इनडिफरेंस, एक्सेंट्रिसिटी, सीपीआर, समझे आप,
अब नेक्स्ट में हम ये जो स्टेसिस आपने बोला, स्टेसिस इज द की नोट ऑफ सीपिया. हाउ दिस स्टेसिस विद द बैकग्राउंड ऑफ एक्सटेंसिविटी, विद द बैकग्राउंड ऑफ इनडिफरेंस दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सेंट्रिसिटी, हाउ दिस स्टेसिस रिएक्ट एज अ होल टू द सीपिया पर्सनैलिटी, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और कवर अप करेंगे. थैंक सर. सर एक बार ये कंफर्म कर दीजिए कि क्या सीपिया को हम लोग ऐसे भी पिक्चर